जाएंगे आप सब। बहुत बहुत मुबारक हो खवातीन हजरात। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, सबको ईद मुबारक। खवातीन हजरात, आज के शो में कई पाबंदियां हैं। जैसा कि शो का नाम है हंसना मनाए, एक पाबंदी तो यही है, आपकी मजाल नहीं होनी चाहिए हंसने की, खुदा की। दूसरी पाबंदी यह है कि आज शो पे घबराना भी मना है। आपकी भरपूर तालियों में आज आ रही है हमारे साथ घबराना नहीं है कि पूरी टीम। शुरू से शुरू करते हैं। अपने रिटायरमेंट के दिन अब्बा बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी के दो बड़े ख्वाब जो पूरे होने जा रहे, अपनी इकलौती बेटी की शादी और हमारा अपना घर। जी छापा पै गया, बह जाओ, मैं इधर ही आपके लिए डायपर मंगवाता हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ शराब नोशी और जुआ जुर्म है। लीगल नोटिस लाया ये भाई मियां के खिलाफ। अगर अदालत में हमारी पेशी हुई तो अगली बार गाल तेरा होगा सिपा सलार। एक्टिंग का सबसे पहला उसूल घबराना नहीं है और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मुझे मेरे प्लॉट दिला दें, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अरे लानत भेजता हूँ मैं रिश्वत पर। सर, अब दिल से नहीं कह रहे, तू हौसला रख। सर फिलहाल हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है। हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं, सर्दियाँ अकेले नहीं गुजरती, मगर दिल तुझे दिया ना तो शेरवानी भी तेरे नाम की पहनेगा विकी। बिगाड़ लेगी उनका बेटी है, बेटा होता तो जाके लड़ भी लेता उनसे। तुम मैं इस यूनिफॉर्म के काबिल नहीं, या तो ये यूनिफॉर्म उतार दो या अपने घर से रहना। प्लीज सभा बैठिए। रेड भाई कैसे हैं? गुड टू सी यू। बैठे प्लीज प्लीज। देख रही हैं आप, खर्चा देख रही हैं। वेलकम, थैंक यू सो मच। आप देख रही हैं पेड ऑडियंस कितनी अच्छी तालियां बजा रही है। ये सब मैंने देखा हुआ है अपने शो में, हम सब उम्मीद से वे सब किया हुआ है। हाँ हाँ, वेलकम बैक टू योर होम ग्राउंड। जियो का बच्चा, जियो का बच्चा, ये अच्छा अच्छा होता था जियो का बच्चा, वो है ना जियो सुपर। मैं आप देख रहे हैं सामने वाली रो में ये बैठी हुई है, दो एडवोकेट्स हैं ये। हाँ, ये क्रिमिनल लॉयर्स तैयार लग रहे हैं आप इतने सिंपल से ईद के दिन में, हम भी इतने तैयार होकर। ये गम की कहानी मैं कैमरे में बताऊंगा। मेरी पूरी फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है। ओके ओके, सिर्फ मैं ही वहाँ नहीं रह पाया। इंग्लिश का प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, उनको नहीं आती थी, मुझे आती थी। मैंने ओपनिंग सोच रखी थी, आपने आके सब तबाह कर दी। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा था मैं यूं आके बैठ जाऊंगा बराबर में। ओके, ओ वाओ, और आपसे गुजारिश करूंगा मैं चुटकी काटे। चुटकी काटे, अब मुझे यकीन आया है कि शो में आप आई हैं, शाहिद भी आए। ये गुलाब मुझे लग रहा है वहां जाने वाला। सुनो, मैं क्या काटूं? देखिए कैमरा जो सामने लगा, इनके पीछे आफ्ताब खड़े हैं। जो भी कोई कंट्रोवर्शियल बात होगी हम आफ्ताब को नोट करा दें।
आप तब हैं, दिल से देखें। ठीक है, ठीक नजर आ रहे हैं। अच्छा समझ आ गए। जैद भाई। जी भाई। Seriously? ये गुलाब संभाल के रखिएगा। That's a moment. ये गुलाब खुद कह रहा है ये गुलाब गलत जगह इस्तेमाल हुआ हूँ। ये गुलाब पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा है। मैं इसको थोड़ा इसका रेट ऊपर कर देता हूँ, इसको संभाल के रखिएगा। मैंने शो के आखिर में सभा को दे मैं वापस जाऊंगा। एक तीर से दो शिकार। एक गुलाब से बजट सारा बजट आप लोगों पे लग गया ना। आप गुलाब भी मुरझाया हुआ लेना पड़ेगा। 7 साल जियो के साथ काम किया बजट से तुम्हें। आप बार बार जियो पे जो एतराज कर रही हैं। नहीं नहीं एतराज नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि मुझे उनके बजट का पता है, बहुत अच्छा है। आप बदनाम कर रहे हैं। आपको दिया नहीं उन्होंने। मेरी नई नई नौकरी लगी, प्लीज तेल ना करें प्लीज। अच्छा आपकी फिल्म का टाइटल है घबराना नहीं है। ठीक है, ये क्यों बड़ा टाइटल? आपके पास बहुत ऑप्शन थे, आप रख सकते थे कापे टांग टांग रही है इस तरह कुछ रख लेते हैं। वो अग्नि का होगा। अरे उनको बता दे कॉपीराइट्स ले लें। अच्छा ले लें, अभी ले लें। मुझे क्यों निकाला भी हो सकता था। अच्छा तो कल मैं प्रमोशन करके बहुत थक गई कल रात में। ठीक है, तो लिटरली मैं बेड में हूँ और मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा है तो मैं अपने आप से लगी हूँ हम गरीब वो दुपट्टा बांध लिया बेगम का, बाम लगा लिया, खुद दबा लिए, खुद दबा लिए। अच्छा पॉलिटिकल एफिलिएशंस के ऊपर बात करना चाहूंगा मैं आप सबकी। ओह माय गॉड, आप सब सपोर्टर उन्हीं के हैं या आप में कुछ डिफरेंस है? आप पहले बताएं किसके हैं। ये तो खान साहब के, मैंने ट्वीटें देखी नहीं है। मतलब मैं था सपोर्टर पीटीआई का, था लेकिन मुझे प्रोग्रेस समझ नहीं आई। भाई आपको यार, मैं भी पीटीआई का सपोर्टर ही था, प्रोग्रेस तो चलो अलग, ये नहीं समझ आ रहा कि एक एक चीज हो गई है, यू ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन। अब उस चीज को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है और खींचा जा रहा है। सब आप बताइए ना प्लीज, आप तो फैन है। ऑफ कोर्स मैं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी चाहे कोई भी लीग हो, कोई भी पार्टी हो, जो मुल्क के लिए अच्छा सोचता है मैं उसके साथ हूं। बहुत सियासी जवाब। सवाल ये कि हमारी हर पार्टी कहती है हम मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, जो अच्छा करते हैं वो नजर आ जाता है। आप लोग बहस कर लें आपस में। सबसे अच्छी पार्टी डांस पार्टी है या इफ्तार पार्टी है, चंदा पार्टी या किटी पार्टी? यस किटी पार्टी। अच्छा ये बताइए, फिल्म में जो आपकी आ रही है घबराना नहीं है, उसके अंदर क्योंकि सभा भी है तो ये सवाल बनता भी है कि सबसे ज्यादा नखरे किसके थे? यूनैनिमस डिसीजन है। yes. किस किस्म के नखरे हैं जिब्रान भाई? हर किस्म के नखरे हैं। देखो वेयर इज माय एबीसी जूस, कितने कहते थे इसमें मेरा रख रखाव, मेरा सब चीजें, ये वो, मतलब क्यों भाई वो देखो क्यों थे नखरे आपके? किस बात के? सभा के नखरे नहीं है जब? नहीं है मेरे नखरे, सभा के नखरे नहीं। मैंने देख लिया, अभी देखे आपने प्लेट से चाय पी है यार। इतनी जोर से चाय पी है, मैंने नहीं पिया। थे नखरे आपके, क्या समझते हैं आप अपने आप? फिल्म स्टार। ये तो नहीं था कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। पू भी क्या चीज, जो हमारे जाहिद अहमद है, जू है, जू जाहिद का क्या शॉर्ट फॉर्म है? नहीं यार मेरे कोई नखरे नहीं थे, ऐसे कह रहे थे, मजाकन कह रहे थे। जितनी और अगर नखरे हैं भी तो जचते उस पर, इतना अच्छा अदाकार है, थोड़े नखरे जचते। बहुत अच्छा कवर किया जिब्रान ने, बहुत अच्छा कवर किया माशाल्लाह। इसी तरह हम एक दूसरे को कवर कर करके चल रहे, काम चला रहे। अच्छा आपसे मैं, क्योंकि नखरे आपके हैं, सवाल पूछना चाहूंगा। 13 साल 10 साल आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, मैंने भी 15 साल काम किया, फिर हमें रियलाइज हुआ कि भाई इससे तो घर नहीं बन सकता। मैं तो इस वजह से आया हूँ, पैसे की लालच में। सच्ची सीधी बात यही है, आप क्यों आए कॉर्पोरेट जिंदगी छोड़कर? नहीं, पैसे की लालच में हर किसी आया, मेरा पैशन था एक्टिंग, और मैंने जब थिएटर करना शुरू किया अलॉन्ग साइड वर्क, तो समझ आई कि यार यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे यू नो आपकी अबिलिटीज की पूरी तरह जो है वो यूटिलाइज हो रही है। ये लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? हम अगले शो पे डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ वेरी गुड, हमारे पैसे पे, हमारे पैसे पे अगले शो का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर यार। मैंने कहा झूठ बोल रहे, पैसे की खातिर मैं खुद पकड़ लूंगा ये बातें। आप पैसे की खातिर नहीं आए, फी सबीलिल्लाह आप एक्टिंग करते हैं। फी सबीलिल्लाह एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब यही जवाब देते हैं। मुझसे भी कोई पूछता है ना, मैं अपनी आंखों में पैशन से उतार लेता हूँ। पैशन के लिए आया हूँ, पैशन के लिए। मुझे इस वक्त कुछ और उतरता हुआ नजर आ रहा है। तबा
आपने कभी 20 रुपए का इजी लोड मंगवाया है? हाँ, वो मेरा वो सबा इजी लोड है, मैं तो जो भी मुझे मिलता है वो यही कहता, अच्छा वो सबा इजी लोड 20-20 करके तो बहुत जमा हो गया होगा इजी लोड। मिशी से मैंने परसों रात कहा कि मुझे बताओ कि ये कैसे करते हैं। मिशी खान से? ना, मेरी बहन मिशी। तो मैंने उससे बोला कि यार वो मेरा बंद हो गया वाईफाई का कनेक्शन जो मेरे पास डिवाइस है, तो ये कैसे करवाते हैं इजी लोड जो भी। उसने मैसेज भेज दिया, उसने कहा ये आप, ये पैकेज कैसे लेते हैं? आप पूछ रही हैं? तब आपसे पूछूंगा, महवेश हयात को आप जानती हैं? ऑफ कोर्स, मेरी दोस्ती है बहुत। वेरी गुड, मेरी नहीं है। चाहते हैं तो बताइए, कौन मना कर सकता है। लेकिन महवेश हयात वो मेरे ख्याल से वाहिद पाकिस्तानी एक्टर हैं जिन्हें हयात होते हुए भी तमगा इम्तियाज मिला है। अच्छा काम किया, इतनी अच्छी मूवीज दी है माशाल्लाह, इतना बिजनेस किया मूवीज ने। एब्सोल्युटली। और तमगा इम्तियाज तो बनता था, मुझे मिल चुका है पहले 2011 में। तमगा इम्तियाज मिल चुका है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे मिल चुका है। कैसे मिलते हैं ये अवार्ड? काम करने से मिलते हैं, अच्छा काम करने से। मेरे साथ अजीब है। कौन ये, इनको क्या अजीब कह रही है? मेरे साथ एक अजीब बात है कि जब भी मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ तो मैं बड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ उसकी अप्रिसिएशन लेते हुए। जैसे बागी किया, बागी का अवार्ड मिला, मैं अवार्ड लेने नहीं गई। मुझे लगा मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मेरा अवार्ड ऑडियंस है। मैं जब मिलती हूँ उनसे इतना प्यार करते हैं मुझसे। लेडीज की आमिर खान कह सकते हैं आप। अब मैं अवार्ड से नहीं जा सकती। ये एटीट्यूड होता है जब मैं कहती हूँ कि अच्छा कुछ कर रही हूँ, अवार्ड में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मैं आ जाती हूँ अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, अदरवाइज मतलब भिजवा दीजिएगा। अच्छा, कभी अवार्ड फंक्शन की आफ्टर पार्टी में गए? मैं नहीं गई कभी। मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे। मैं आप इधर करके पूछे तो मैं बता दूं, मैं नहीं गई कभी। मैं गया एक बार। कैसे? मैं थोड़ी देर में बाहर आ गया। क्यों, शर्म आ गई? इतनी अच्छी थी ना? वो काफी आफ्टर हो चुकी थी पार्टी। वो वहाँ वहाँ ये था, वहाँ हो गए, वहाँ थे, होश में नहीं थे। भाई ये बताइए कि आपका भी तो, आपके तो बहुत रोल मैंने खुद देखे, मैंने बहुत कम ड्रामे देखे मगर मैंने आपके 2-4 रोल्स देखे। आपका उनमें से कौन सा फेवरेट है? यार आई थिंक आई हैव टू से जो मेरा साल डेढ़ पहले आया था इश्क ज़हे नसीब, जिसमें मैं मैन एंड वुमन बना था, वो आओने समीरा। समीरा, अच्छा समीरा नाम था, समीरा नाम था उसमें। समीरा, तो किसी को आपसे प्यार हुआ था समीरा उसमें? यार किसी को तो कोई आपके जिंदगी में कोई शानो हो समीरा से प्यार? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जब मैं वो लड़की बनता था तैयार होने के लिए, तो जो अटेंशन हीरोइंस को मिलती है ना उस वक्त वो मुझे मिला करती थी, बिकॉज ये जो 6 लोगों की टीम है ना, फिर वो बाल भी बन रहे हैं, लिपस्टिक बन रही है, आई शेड बन रहा है। अच्छा एक पाउट करके दिखा दे, पाउट करके मैं मुझे नहीं आता करना। ओ जाहिद तो बहुत अच्छा करता है, जाहिद की हर पिक्चर में होता है। भाई जरा वो तस्वीर वाला, हम एक तस्वीर ले लेते हैं। जाहिद का इंस्टाग्राम खोल के देखो, आपको नजर आएगा जाहिद करके। अरे पाउट नहीं करता मैं, आंखें और आंखें भी ऐसे करके ना, हम तो मछली बन जाते हैं। अच्छा मैं सभा करता हूं, आप जज करें, नंबर दीजिएगा मुझे, ठीक है? डन। पाउट करना ना मुझे। वो, वो। सही है ना, मेरे अंदर है ना, महवेश सब महवेश ही निकला ना, मैं अंदर से मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गया। अब भाई ये जो ऑडियंस आई हुई है, अब क्या लग रही है, पागल है? इनके पास सवालात हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि मुल्क इस हालत में क्यों है। मैं इनके पास जाऊंगा और इनसे सवालात लूंगा। पागल हुआ हमसे पूछना चाहते हैं? हाँ भाई, किसके पास है सवाल? कौन है वो जो सवालिया निशान बन के आया हुआ है? हाँ, बहुत बहुत हल्के से तुमने हाथ खड़ा किया है। क्या नाम है आपका? मिनाहिल नाम है मेरा। मिनाहिल नाम है आपका, क्या सवाल लेकर आई है मिनाहिल? मेरा मैम सभा से सवाल है। मैम सभा से, टीचर हैं तुम? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बॉलीवुड में काम किया है, तो आपका बॉलीवुड एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कुछ थोड़ा शेयर कर दे हमारे साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इरफान खान साहब के साथ काम किया और बहुत अच्छी कास्ट थी, अमृता सिंह थी, फिल्म बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, आई एम श्योर आप सबने देखी होगी। अच्छा ये बताइए सबब, पड़ोसी मुल्क से अब कोई और ऑफर आई? आ रही थी, ऐसे रास्ते में रुक गई। यानी अगर आएगी दोबारा जाएंगी? अगर हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो गए तो क्यों नहीं, जरूर। चाइनीज में कैसी लगेगी फिल्म आपकी? हाँ, मेरी फिल्म ने 300 करोड़ किए थे चाइना में, और जब मैं बैंकॉक में शूट कर रही थी, नो सीरियसली 300 करोड़ रुपए चाइना में, चाइना में किया था। क्या समझा क्या उन्होंने उसमें इंग्लिश मीडियम? नहीं, उसको डब किया था ना उन्होंने। बैंकॉक में जहाँ हम स्टे कर रहे थे, तो उसकी लॉबी में चाइनीज आए हुए थे। उससे कुछ रोज मेरी फिल्म वहाँ रिलीज हुई थी, तो एक एक चीनी पीनी, सॉरी चीनी पीनी नहीं, वैसी पैक बन रहा है इस वक्त, ये ना करें। एक चाइनीज ने मुझे ना पहचान लिया कहीं,
तो वो बाकी का जो पूरा ग्रुप आया था ना उनका, वो सब आ गए सेल्फी और बनाने के। मैंने कहा साथ ही वो क्लाइंट खड़े थे, मैं कहता पैसे बढ़ा दे देखे, मेरे तो चाइना में फ्रंट कैमरे के आधार बैक कैमरे के 1200। तो हाँ, ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस। और सवालों की तरफ बड़े, पागल नहीं है वो। हाँ भाई, और कोई सवाल? जी जी बताइए। मेरा मैडम सवाल सवाल है, मैडम साहब आपका आइडियल कौन एक्टर है और आप किस अदाकार के साथ जो है ना एक्टिंग करना चाहती हैं, जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया? जी पाकिस्तान। सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक नुमान एजाज के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या आपकी एक मूवी आ रही है घबराना नहीं है? जी जी। तो अब तो इमरान खान नहीं रहे, तो अब घबरा ले हम। मुश्किल सवाल, मुश्किल सवाल। फिल्म देखने के बाद बताइएगा कि घबराना चाहिए कि नहीं। आप घबराएंगे नहीं, आप बहुत खुशी से बाहर आएंगे, आप सबको कहेंगे घबराना नहीं है। ओके बेटा, घर का एड्रेस नंबर वगैरह नहीं, बता दो चाहिए तो बता दो। नहीं नहीं मैम, थैंक यू। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ताबिश बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, मैं इनके साथ काम करना चाहूंगी। ओके वाओ, ताबिश। नहीं रोना नहीं, रोना तो बिल्कुल नहीं, इमोशनल हो गए, इमोशनल। आप पहले आरजे थे जी, और फिर एक्टिंग में आए, हिट हो गए। दो ही लोग हैं पाकिस्तान में, कैसे, एक आप हैं एक साहिर लोधी हैं, तो क्या वो आपकी इंस्पिरेशन थे? इस कंपैरिजन पे तालियों, तालियों चाहिए, इस कंपैरिजन पे तालियों चाहिए। मैंने क्या उस इंसान का नॉलेज, आई डिडंट नो दैट। नहीं, साहिर लोधी का नॉलेज, नॉलेज देखे ना, उन्होंने फिल्म बनाई थी रास्ता, उसको रास्ता नहीं मिला। मीन क्या बात है, सच्ची बात है, फिल्म पे क्रिटिक देते हैं ना लोग, तो वो मीन होते हैं। आपकी फिल्म आएगी, देखिएगा भी ऐसे क्रिटिक निकल आएंगे। मैं तो चाहती हूँ जाके देखें और बोले और अच्छा बोलेंगे मुझे। इस चक्कर में देखें, चक्कर के अलावा भी देखेंगे मुझे पता। झेलम से आप हैं, झेलम ने पाकिस्तान को बड़े बड़े इंजीनियर दिए। तो ये बताइए कि आप वहाँ से डॉक्टर बने, आपने MBBS पूरा किया जी, कभी कोई इलाज भी किया? फाइनल ईयर में हमारे वार्ड हॉस्पिटल में होते थे, तो मैंने 2 सिजेरियन ऑपरेशन असिस्ट किए। वाह, असिस्ट क्या किया उसमें, इतना काम ही कहाँ था? क्योंकि हम असिस्ट होते हैं, सक्शन पंप होता है ब्लड के लिए, करके ना दिखाएं भाई, मैं खुद देख लूंगा ये सब चीजें। तो हमारे भी दो बच्चे, हम पूरा ऑपरेशन नहीं कर सकते, वो डॉक्टर्स करते हैं, तो हम फाइनल ईयर में असिस्ट करते हैं। इससे याद आया, पाकिस्तान में ऑपरेशन जो होते हैं वो ये नहीं होते किडनी का कराया है या गले का, साइज होते हैं बस, तेरे भाई का बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, छोटा सा ऑपरेशन था, ये नहीं बता रहे भाई किडनी का हुआ है, पित्ते का हुआ है, बड़ा ऑपरेशन। रुक जाएं, कमाई का टाइम आ चुका है, पैसे कमाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा तो मुझे कैसे मिलेंगे? ब्रेक लें, इश्तिहार देखें, और से देखें, यूं करके ब्रेक लें, और सेवैयां खानी हो तो खा लें। हाँ भाई, खवातीन हज़रात वापस आ गए आप लोग, दूर दूर वहीं टीवी के बाहर ही रहना है आप लोगों को, अंदर ना घुसें। हाँ जाहिद, आप लोगों ने बहुत ड्रामे किए हैं, सैयद जिब्रान भाई आपसे मैं स्टार्ट करूंगा, मैं क्योंकि कराची से आया हूँ ना भाई, ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकल जाते हैं। ये बताइए कि इन सारे ड्रामों में से आप बेहतरीन रोल कौन सा पसंद है अपना? अपना? हाँ, इनका क्यों पूछूंगा मैं? जो पर्सनली पसंद है वो एक सीरियल मैंने किया था यासिर नवाज का, खुदगर्ज। वाह, उसमें कैरेक्टर जो मैंने किया वो मुझे पसंद है। आप खुदगर्ज बने थे उसमें? नहीं, मैं नहीं था उसमें खुदगर्ज, तो आप गर्ज थे सिर्फ? मैं गर्ज था, खुद था, बेगर्ज हमेशा बहुत गुड गुड बॉय वाले कैरेक्टर। अच्छा, आपने कभी तो किसी को प्रपोज किया होगा? किया था अपनी बीवी को, वो मान गई, अरे फंस गए। नहीं तो इन बीवियों का होता है भाई, मान जाते। मान क्यों रही हैं आप? नहीं, मैंने कहा भी मुझे वापस बुला दो। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ फूल पत्ते केक बलून्स ये सब चीजें आ रही हैं, और एक नाम बार बार आ रहा है, शानो। कौन है शानो? जिसके नाम में नो है। नो, अल्लाह ना करे, नाम में नो। अच्छा बोले, अल्लाह खैर करे। शानो, शोम शानो शाह, एक विलन का बड़ा मशहूर डायना से आया है, वहीं से आया था। शानो क्या है, सबा कुछ बता दे, कुछ हिंट्स तो दें, हिंट्स तो दें। ये पूरी दुनिया जानना चाहती है कि शानो कौन है, मतलब कुछ है ना इसके अंदर? क्यों बताऊं? आपने मुझसे कहा था ये पूछना जरूर। हमारे पास सिर्फ आप लोग नहीं है भाई, बजट इतना ज्यादा है, इतना बजट ज्यादा है इस शो का, अब पता चला कितने कम पैसे मांग लिए आप लोगों ने।
बजट इतना ज्यादा है कि आपके अलावा भी बुलाए हुए हमने लेजेंड्स हाँ लेजेंड्स आपकी भरपूर तालियों में मुनव्वर मकसूद इधर आ जाए इधर आ जाए इधर आ जाए एक मिनट ठहर जा मनहूस इस उम्र में भी तेज चाल है आपकी मैं बैठ सकता हूँ उधर बैठ जाए ना जरा अबे चुप कर लो प्रोफाइल रखा है आपने आज कैसे हैं आप खैरियत से गुड टू सी यू गुड टू सी यू टू सबा जी कमर जी साथी है दोनों में से सबा कमर कौन सी आप क्या अच्छा सर, आप जायद जायद नहीं जाहिद जायद का मतलब होता है एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा नहीं हीरो हैं कादी नजरात आप सोच रहे होंगे सबा के साथ मेरी इस कदर बेतकल्लुफी क्यों अल्लाह खैर बड़ी पुरानी जान पहचान है कब का आ गया रेडियो टेलीविजन ठीक करने की इनके मामों की दुकान हुआ करती थी हमारे बड़े पुराने जानने वाले थे उसके बाद ठीक आ गए डकार आ गए डकार आ गए सर हम ठीक हैं उसके बाद एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई आविश कैसा है हम दुकान खोल नहीं ये इतने बड़े बड़े एक्टर हैं इनसे ही बात करें ना अनवर सर एक्टिंग तो हम इजाद करने वालों में से कौन सा दौर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ज़िया दौर आपको अच्छा लगता है बड़ा सादा और सिंपल दौर था जिब्रान क्या खास बात थी इसमें खास बात ये थी कि नए लोगों को मौके देता था ज़िया और शफीक इंसान था ज़िया शफीक इंसान था जी और मौके देता था नए लोगों को कौन सी बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं कौन सा ज़िया है कौन सा ज़िया वक्त का ज़िया है ज़िया मोहिउद्दीन की बात कर रहा है बेटा यहाँ कोई छक्के मार रहा है या कोई हैप्पी बर्थडे है आप में से किसी की सर मेरी अभी गुजर रही है कुछ रोज मुबारक थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू मैं बात कर रहा था ज़िया की अयूब दौर की अयूब दौर छोटा दौर था जी जायद को देखे ना समझ आ रही समझ सख्ती थी काफी अयूब में जी 60s की बात होगी आप तो तारीख के स्टूडेंट हैं तो मैं तो इतनी पुरानी नहीं हूँ अच्छा लेकिन तारीख आपने पढ़ी होगी थोड़ी बात तो वो सख्ती अयूब देखिए ना इतनी बड़ी दाढ़ी अयूब की मुझे अयूब की दाढ़ी कहाँ थी भाई अयूब खोसो की बात कर रहा हूँ एक्टर अयूब है वो ज़िया दौर में नहीं अयूब दौर में पैदा हुए और वहाँ पैदा हुए जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होते वाह मुश्किल जगह पैदा ये नहीं मुश्किल नहीं वो दूर दराज का इलाका और इतना टैलेंटेड इंसान वसीम हज़रात एक अंधोनाक खबर एक ऐसी खबर जिसने मेरा दिल चीर दिया है कुछ ही दिन पहले सबा कमर की बर्थडे थी मुझे भी पता चला है ना कोई केक है ना कोई छुरी है ना कोई मिठाई है ब्रेक लें ताकि ये सब इंतजाम हो इनको खाएं नाराज हो रही हो अटेंशन भी तो इतनी चाहिए बड़े स्टारों को हाँ भाई खवातीन हज़रात वापस आ जाएं हाँ बैठ तसल्ली से बैठ जाएं शो शुरू कर रहा हूँ मैं दोबारा हाँ बाहर रश लगा हुआ है अजीब अजीब लोग आप लोगों से मिलने आ रहे हैं उनको संभालना मुश्किल हो चुका है कुछ लोग तो कुछ स्टार्स भी सुनने में आए कुछ स्टार्स भी मौजूद हैं अरे वाह हाँ, तो आने दो भाई मैं बुलाना हाँ। अरे टाइम है ही नहीं सर के पास कहाँ से दे दे भाई बहुत काम है डायरेक्टर अरे गुस्सा नहीं कर शाहरुख भाई गुस्सा कर रहे हैं शाहरुख खान अच्छा मेरी भी बात कराना आप खड़े क्यों हैं पहले तो ये बता एक मिनट है मैं कुछ लेके आता हूँ आपके लिए उफ तो एक्टर की जो कदर होनी चाहिए यहाँ पे वो है ही नहीं यकीन करें अच्छा
वाह भाई, आज तो बड़े टिकटॉकर्स बुलाए हुए हैं। भाई वो टिकटॉकर नहीं है वो। मैं भी बहुत बड़ा। आपने खुद नहीं बोला सर, वैल्यू डाउन होती है। मैं बताऊंगा सर, एक्टर है। सर एक्टर है जी? क्या किया इन्होंने? ये अभी करेंगे। इनका नाम है फैसल कुरैशी फोर्थ। इनका सेटअप क्या है? ये देखिए जी, इन्होंने बहुत काम करना है, बहुत आगे जाएंगे ये। आपको आइडिया ही नहीं है, सबको पीछे छोड़ देंगे। सही हाथों में आ गए हैं। अच्छा मैम बैठ जाऊँ? हाँ क्यों नहीं सर, आप बल्कि आइए बैठिए प्लीज। कैसे फैसल भाई? आपके पास एक थान का कपड़ा नहीं? डबल शर्ट। सर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, बच्चों ने फिर शायद जाना। हाँ यस 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 यस, अभी शायद आता है ना सबा? नहीं नहीं नहीं, मैं हमीद। शबनम। कमर। सबा हमीद। ठीक है सबा। कमर मुझे ये बताएं कि ना मेरी ना कुछ दिनों से ना कमर में बहुत तकलीफ है, तो अच्छा, क्या करूं? ये डॉक्टर नहीं है, ये आइए आपकी कमर सीधी कर देते हैं। सबा मैडम मुझे ये बताएं कि ना आप ये जो ये कॉमेडी, ठीक है कॉमेडी रोल्स आपको ज्यादा करना पसंद है या फिर सीरियस ड्रामेटिक कॉमेडी रोल्स? मुझे बस कैमरे के सामने रहना पसंद है, वो कॉमेडी हो, सीरियस हो, खबरों पे डांस हो, कुछ भी। सर आप मेरे क्लाइंट को जेलेसी की नज़र से देख रहे हैं, असल में वो कैमरा लगा हुआ है उसमें आता है। माई क्लाइंट डजंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, तो प्लीज। ये सैयद हम एक ना ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है विले एक्टर्स ग्रुप, हम हैं उसमें। मुझे पता था इससे जान पहचान भारी भारी पड़ेगी। आपने इतने कमाल एक्टिंग करते हैं, ठीक है पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर्स में आपका शुमार है, तो कभी ऐसे गलती से कहा है किसी ने आपको? नहीं यार मैं सीरियसली वैसे ये नहीं कहा किसी ने अभी तक। अच्छा। पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर्स में मेरा शुमार होता है। जबकि कहना बनता है। वाह ये देखो बस। ये क्या कह दिया? 55 साल के हैं। ज्यादा हो गया। यानी जल्दी वो जो हम फिल्म बना रहे हैं, ठीक है सबा जी को ना उसमें एक रोल देना प्लीज। एक रोल देना है सर? उसमें तो सिर्फ माँ का रोल बाकी है। दे दो दे दो, कोई नहीं मैम। कांग्रेचुलेशंस। एक्सक्यूज मी, हेलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैं वही फिल्में करती जिसमें सिर्फ मैं होती। अरे वो तो किस किस कहते हैं माँ आप ही होंगे। फिर आप शादी की मूवी, सबकी माँ बनूंगी। शादी की मूवी कैसे बनेगी? सबकी माँ बनूंगी। एक्चुअली ही इज मैरिड, सॉरी बट थैंक यू। या बट आई डोंट माइंड सेकंड मैरिज सर। आपकी डिमांड है अगर आप कहें तो यस कर दूं सिर्फ 10%। अच्छा ठीक है, डन करें सर, तो बाकी का 90% कब देंगे सर? अरे 10% तो आप लो ना यार, कमीशन तो वो लेके 10%, हीरो लेगा 10% कमीशन। क्यों वो कैमरे पे नहीं आएगा? सही है यार वो। अरे आपकी वायरिंग निकल रही है भाई, वायरिंग निकल रही है। हो जाता यार पिक्चर प्लीज। सभा मैडम। नहीं मैं पैसे लेती हूँ फोटो बनाने। आई हुई है? नहीं नहीं नहीं, आपने पिक्चर खींचनी है, मेरी और ताबिश की प्लीज। मैं वो टैग करूंगा ना पिक्चर खींची भाई सभा कमर। खींची भाई गेट बैक, कैमरा छोड़ के इधर आइए, इधर राइट, नीचे उतर जाए, उधर नीचे उतरे, मैं आपको बताती हूं। ले लीजिए। ओ क्या फोटो आई है, डिलीट। बाकी फोटो भी देखेंगे। हेलो जी सर, बस हमारे सर। अब सर शाहरुख नाराज हो रहा है, अब जाना पड़ेगा। शाहरुख खान? नहीं सर, इनका भतीजा है। जिला आप डॉक्टर हैं, फिर एक्टर, बिजनेसमैन, इतनी कामयाबियां देख ली, दिल नहीं चाहता बस बहुत हो गया, फौत हो जाना चाहिए। यार क्या बात कर रहे हैं अमर सर आप, आपने भी इतना कुछ देखा हुआ यार, आपने जश्न आजादी, पाकिस्तान के तकसीम, हिंदुस्तान का बंटवारा। अच्छा भाई बात सुने अनवर सर, सभा जल्दी जल्दी में गेम निपटाने, स्क्रिप्ट में जो कुछ है पूरा करूंगा। सही है, गेम ये है कि मैं आप लोगों को एक एक वर्ड दूंगा और आपने इंस्टेंटली उसके ऊपर जो पहली चीज आ रही है वो मुझे बतानी है। ये नहीं सोच, जिब्रान से स्टार्ट करेंगे। सही जिब्रान भाई, वन वर्ड और क्विक आंसर, ठीक है? ईद मुबारक। वाह। शेर
नवाज वेरी गुड हां साहब घबराना नहीं है 9 to 5 रैट रेस यूट्यूब फ्रीडम वाह यूट्यूब पे यार मैंने आपकी वीडियो एक अभी उसका वो देखा टाइटल जाहिद अहमद ने अपनी नाक किस तरह कटवाई जानने के लिए यहाँ क्लिक करें ये क्या किस्सा है यार ये एक साइट बन जाती है यूट्यूब की जो आपकी अपनी वेबसाइट यूट्यूब पे चैनल पे लगा हुआ है ये टैग मेरी अपनी वीडियो दादी कसम आएगी चले रमजान ट्रांसमिशन अननेसेसरी वेरी गुड टिक और टॉक टिकटॉक एब्सोल्युटली अननेसेसरी एब्सोल्युटली नॉट अजय जी सबाह यस ब्रिंग इट ऑन अच्छी बिरयानी मम्मी बनाती है अरे वाह वकार जका वेरी फनी यस दोबारा कोशिश करिएगा भाई मैंने क्या किया ओके बॉलीवुड हिंदी मीडियम हम सब उम्मीद से हैं जियो वाह जियो जियो को आप जीनो को कह रही हैं या जियो का नाम ले रही हैं हर पल जियो वेरी नाइस आखिरी सवाल हाथ से नहीं पूछूंगा बल्कि अब आपने सिर्फ रॉन्ग आंसर्स देने ओके रॉन्ग उसके ऑपोजिट देना है रॉन्ग आंसर्स ठीक है तो ये सही आंसर नहीं देना जिब्रान भाई से स्टार्ट करेंगे जिब्रान भाई क्या शादी के बाद जिंदगी खूबसूरत नहीं हो जाती बेटा घर जाना पता लगेगा सबा यस आपका रैम्बो के साथ काम करने का कैसे एक्सपीरियंस था बहुत बुरा लेकिन चेहरे पे सच्चाई थी काश आप हमारे दरमियान मुझे तो वो लस्सी नहीं वो जो बैंडेज ऐसे जो पाइप खीरा नहीं ये जलेबी जलेबी एक पानी का गिलास मंगवा दे मैंने दवाई खानी आप दवाई लगा लें दवाई खानी है खाएं सभा के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है तेरी आप मुझे लिस्ट दे देना जिन लोगों के सामने करनी चाहिए आपकी बेइज्जती आप जब जो भी बंदा आता है आप कहते हैं इसके सामने कर रहे हो कौन है वो लोग जिनके सामने की जा सके तेरी डिमांडें पूरी करूं मैंने तुझे गोद लिया हुआ है बदतमीज आदमी मैं तेरी अम्मी हूं सभा जी बस सभा के बाद टाइम मारूं मैं बारह सभा जी मैं जब मैं मेहनत कर रहा हूं सभा पे बिल्कुल खामोश हो बिल्कुल मैं आगे कोई बात नहीं सुनूंगा बहुत हो चुका इतनी देर हो चुकी ब्रेक नहीं लिया अभी तक ब्रेक के बाद मिलते हैं खबर आज हमारे साथ घबराना नहीं है कि पूरी टीम शुरू से शुरू करते अपने रिटायरमेंट के दिन अब्बा बहुत खुश थे उनकी जिंदगी के दो बड़े ख्वाब जो पूरे होने जा रहे थे अपनी इकलौती बेटी की शादी और हमारा अपना घर छापा पे आ गया बैठ जाओ मैं इधर ही आपके लिए डायपर मंगवाता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यहाँ शराब नोशी और जुआ जुर्म है लीगल नोटिस लाया ये भाई मियां के खिलाफ अगर अदालत में हमारी पेशी हुई तो अगली बार गाल तेरा होगा सिपा सलार एक्टिंग का सबसे पहला उसूल घबराना नहीं है और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है बस आप मुझे मेरा प्लॉट दिला दें आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा अरे लानत भेजता हूँ मैं रिश्वत पर सर अब दिल से नहीं कह रहे तू हौसला रख सर फिलहाल हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है हड्डियाँ कमजोर हो गई हैं सर्दियाँ अकेले नहीं गुजरती मगर दिल तुझे दिया है ना तो शेरवानी भी तेरे नाम की पहनेगा विकी बिगाड़ लेगी उनका बेटी है बेटा होता तो जाके लड़ भी लेता उनसे तुम ना इस यूनिफॉर्म के काबिल नहीं या तो ये यूनिफॉर्म उतार दो या अपने घर से आना
ज्यादा। दिनों रात एक बार फिर मैं वो खुश आमदीद कहूंगा, हंसना मना है भाई। कोशिश की हमने कि ये लोग चले जाएं, कोई दूसरे मेहमान आ जाएं, मगर ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर घबराना नहीं है की टीम, जाहिद अहमद, सबा कमर और सैयद जिब्रान। कमजोर दिल का मालिक। चाय चाय। नवाब साहब, नवाब साहब मेरे मालिक के मकान है मगर मेरे नौकर भी हैं, क्योंकि जो उनका घर है वो केसेस में फंसा हुआ है। अब आपको पता है अदालत ने तो नवाज को नहीं छोड़ा, नवाब को क्या छोड़ेगी, तो वो बेचारे काम कहाँ। नवाब साहब, ओए नवाब साहब, बॉडी आ रही, बॉडी आ रही, बॉडी आ रही। क्या है? आधा बरस करते हैं भाइयों। साहब ही रह गए, नवाब तो खत्म हो गए अंदर से। तिहाई शिकवा है भाई हमें आप लोगों से कि यहाँ पे फनून लतीफा की महफिल सजी है, गुफ्तगू हो रही है और हमें मदऊ ही नहीं किया किसी ने। हद हो गई, यानी कि बर्र सगीर की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि सिनेमा और थिएटर इसके बढ़ावे के लिए जो काम हम नवाबीन ने किया है। सांस ले, सांस ले, सांस ले, गहरी सांस ले। वो तो आइंस्टाइन ने नहीं किया होगा, वो एटम बम तराशने पे कम वक्त मारा। एटम बम तराश, हाँ बनाने पे, हाँ हाँ तराश मैं। अच्छा ओके, लेकिन भाई उर्दू, उर्दू एक गिला और भी है हमें आप सबसे। वो गिला ये है कि आजकल की फिल्मों ने हमारे मुहावरे का बिल्कुल बिगाड़ कर दिया है। मुहावरों का हाँ, मसाल हो जाए, जो जबान का बर्ताव हम कर रहे हैं नाकाबिल इस्तेमाल है। रंज आता है, दुख होता है, यानी कि हमारे आबाओ अजदाद का वो जबान दानी का तुर्रा जो कभी तुर्रा इम्तियाज था दो आंख में मिल गया है। दो तीन बार और तुर्रा बोल दिया तो इधर हो जाएगी, मुर्रा खुल जाएगा। लेकिन मियां हमने शिकस्त नहीं मानी, बिल्कुल नहीं हारे हम। हमने एक फैस, वो क्या कहती है ना कि शिकस्त खा के भी मैं फतह के जलूस में हूँ, कि दे गए जो मुझे मात मेरे अपने हैं। ये लाजवाब शेर गालिब का तो नहीं, मेरा ख्याल इनके वालिद का ही हो सकता है। इनके वालिद ये बिग बैंग के बाद सीधा हैं। आप हमारी फिल्म में काम करेंगी, आपके लिए जो रोल लिखा है मैंने। अरे वाह, ओहो अच्छा, निकाल दें एक बार। रोल लिख भी दिया यहीं पे। हीरो की छोटी बहन का रोल है, सगी बहन, जो इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत यानी कि जुमलाबाजी करती है, इतनी नफासत से झूठ बोलती है ना वो, जैसे वो क्या कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। खूबसूरत, क्या बात है। आपके लिए खुशी रोल लिखा है। लो भाई, मैं आप हीरो के वो करीबी दोस्त हैं, दोस्त ही हैं जो फिल्म में कभी भी नहीं आता। जो भाई फिल्म में आता ही नहीं है, वो दोस्त जिक्र में है भाई। जो बहुत करीबी होता है वो मिलता कहाँ है, रोज रोज वो तो करीबी रहता। मैं एक ऐलान कर दूं, मुझे ऐलान कर दे दी, जिस जिसको चेहरा देखना है आगे बढ़ता जाए। अब एक बात हम और बता दें आपको कि चूंकि पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं, हिदायतकार भी हम होंगे, तो लाजमी बात है फिल्म के हीरो भी आप। राज साहब, बड़े बड़े क्रिएटिव लोग देखे हैं माशाल्लाह, आपको तो आपकी क्रिएटिविटी पे जूतियां मारने का दिल कर रहा है। आपको हिम्मत है इनकी? हिम्मत है किसी और को क्या? लाशों का तकद्दुस पामाल कर सकता है कोई? नहीं नहीं है लाशों का। अच्छा भैया, तो हम ये फिल्म अनकरीब बना रहे हैं। अनकरीब ना बोले, आपके पास ना अन है ना करीब है, आप फौरन बना लें। चले अबे नवाब के बच्चे, अगर तूने अनकरीब फिल्म बनानी है, खुद कास्ट कर, खुद अपने आप को कास्ट कर और नाम रख खराब फेफड़ा, इस्तेमाल शुदा गुर्दा, या फिर हिसाब किताब, हिसाब कब्र का अजाब एक्स्ट्रा रख लेंगे। अच्छा, ये फिल्म का मुसविदा है, ये हमारी वसीयत की तरह है। आप अपनी फिल्म, आप अपनी स्क्रिप्ट वसीयत में लिख सकते हैं। मैं देखे जा रहे हैं भैया। अच्छा सुपुर्द खुदा, बात सुनो जरा, खड़े होकर सुनो जरा। वो हमने ना सबा साबा के लिए एक शेर कहा था किसी जमाने में, हमारे जाने के बाद सुना देना है। कान में बता दें। हाँ, वो शेर है, दिल कहने को अपना है मगर उनका तरफदार, कमबख्त मुनाफिक है इधर भी है उधर भी। वाह वाह, बड़ा कोई। अच्छा हम खेलेंगे डम शरेट्स, बिल्कुल नया गेम है, आज तक खेला नहीं है।
दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार किसी शो पे खेला जा रहा है रैपिड फायर राउंड और डम शरेड जी, दो गेम मैंने जाते अब होगा ये मैं ऑडियंस को एक नाम दिखाऊंगा और फिर मैं आप में से किसी एक को दिखाऊंगा ओके और दूसरे को इमिटेट करना होगा इमिटेट उसको एक्ट करना होगा हाँ फिर ये दो पहले पहले सभा को दिखाएंगे आप गेस करेंगे फिर जबरान को आपको नहीं दिखाएंगे बल्कि दिखाएंगे आप फिर आखिर में दो कागज मैं भी कर लूंगा आपके कहने पे लेकिन प्लीज कोई ऐसी चीज ना कराइएगा जो मैं टीवी पे गैस ना करा सकूं भाई बहुत आला ये बहुत आसान है ये मैं ओहो अरे क्या हो रहा है ये नहीं देखा नहीं देखा सब दिख गया सब दिख गया सब दिख गया सब दिख गया बंद करो भाई मैं ऑडियंस को दिखा रहा हूँ ये नाम देख लिया आपने नाम देख लिया अच्छा हमें हम में से किसको दिखा रहे हो हैं पहले कौन देखेगा पहले सब 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 आ जाती मैं आ गया आ जाती सब आई ता करके देखें अच्छा अब भी मैंने देख लिया मैंने ही एक्ट करना है जी मैंने क्यों कह दिया ओह नहीं 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 बहुत आसान है बहुत आसान है आप एक्ट करें कुछ बोल सकते हाँ बोल भी सकते हैं ये तो बहुत आसान हो जाएगा बोलने से बोल नहीं सकती ना बोल बुला ले नहीं गो गो कार्ट में दो लोग कैसे दो लोग बैठते हैं गो कार्ट में हाँ गो कार्टिंग दो लोग हाँ करते हैं क्या दो गो कार्टिंग में दो लोग होते हैं ना एक आगे एक पीछे नहीं ये किस इजाद की कैसे हुई गो कार्टिंग निदा यासिर बस यार ये भी सभा से ही कराना पड़े चलो कर नहीं 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 सभा से नहीं कराऊं जिब्रान से कराऊं ये जिब्रान भाई ये बहुत अच्छा करेंगे जिब्रान बहुत अच्छा करेंगे आप यार आप नहीं चीटिंग करें ना यार यार आप देख लो सेंसिटिव मामला है ये देख रहे हो आप अच्छा यार ताबिश चलो हां वैसे नहीं देखो ताबिश पकड़ ली थी यार नहीं हो पा रहा ना हैंडल पहली बार टीवी पे शो कर रहा हूं मैं नहीं लेना सब पागल हूं बार बार ये दिखाता रहूंगा पहला होस्ट जो डांटता है बहुत आसान है मैं कर लूंगी जी बुट ट्राई जस्ट ट्राई जहाज जहाज कौन चलाता है जहाज पायलट ये वो क्या कहते हैं ये वो वाला पायलट है पायलट को क्या कहते हैं कैप्टन यार ये बहुत इमरान खान नहीं कैप्टन जहाज के पायलट को इमरान खान कहते हैं कैप्टन कैप्टन नवीद मीरा जी मीरा जी अनवर साहब से गैस कराऊंगा ये अनवर साहब से मैं गैस जी जी मैं तो गैस नहीं है ये गैस नहीं है गैस के साथ बिजी सब गौर से देख ले कि बार मैं दोबारा मैं बार-बार आके नहीं दिखाऊंगा मैं होस्ट हूं मैं कोई मॉडल नहीं हूं हां देख देख लिया आपने देख लिया आगे फाड़-फाड़ के देखें इसे अच्छा देख लिया देख लिया पहले कैरेक्टर से बाहर आ जाएं मैं आपके अंदर का अनवर मकसूद निकाल दूं भाई बात ये है बात ये है कि जब हम एक ड्रामे को बनाते हैं जब वो ड्रामे को बनाते हैं इधर लाना है क्रेन इधर लाना मेरे मुंह पे लगाओ क्रेन इधर आओ क्रेन क्रेन इधर लाओ और आप एक एक बार देख के खत्म करो बार बार नहीं आता रहूंगा ये मजा आ रहा है कहाँ हैं जाहिद भाई कहाँ हैं आ रहा अबे यार अरे 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 तो मिमिक्री करनी पड़ेगी और नहीं चुप हो जा तुम इमेजिन देयर इज अ सिगार इन माय हैंड थोड़ा बड़ा हो गया शेख रशीद साहब ये होती है एक्टिंग ये सिगार जैसे समझ लिया मैं आज डांस ही लग रहा था अभी देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा फिल्म में इतने लोग रखे क्यों हैं अकेली चला लेती गैस भी नहीं बोलने नहीं दिया उस शख्स को और शो भी होस्ट कर लेगी सब कर लेंगी यार ये मैं नहीं खेल रहा यार अरे शेख रशीद पे बैठ गया आम खाओगे आम अब आप तीनों जो है ना इस पे कुछ लिख दें क्या मेरे लिए
लाइए नहीं 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 अच्छा वो करें जो हमारी भी ऑडियंस एंजॉय करे बड़ा आर्टिस्ट तो उनको दिखाएं और मुझे भी साथ ही दिखा दें आप बताएंगे किसको हमें सबको करके ऑडियंस से गेस कराऊंगा ऑडियंस से गेस कराऊंगा हां सिर्फ इसको दिखाओ सिर्फ ताबिश को इधर ये यू हैव टू पहले तो मैं ऑडियंस के सामने जाऊंगा एक खातून है वो बहुत अच्छी बात और जब ये देख के बोर हो जाए तो ये देख लीजिए इसमें थोड़ी देखूंगा अब सभा ऐसा है कि क्योंकि मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता किसी का बाप मुझे डांस नहीं सिखा सकता मैं सिखाऊंगी फिर आप मुझे तीन चार ऐसे दे दिया ऐसे स्टेप दे दें कि मैं अपनी बीवी के सामने सुरखरू हो सकूं ठीक है गाना चलाओ भाई गाना चलाओ बोझ भी आया हां ऑफ कोर्स शुरू करें अनवर मसूसा भी अनवर आ जाओ बीवी के सामने आइए ना अनवर की सेहत इजाजत नहीं मैं आपको मैं उठा के करा लूंगा बीवी के सामने सुरखरू होना है तो एक ही स्टेप है कमीज नहीं उतार ली हो गया मेरे दिन तू हिट कर गए रात में गुजारा तारे गिन के मेरे होश तू गुम कर गई बेबी तेरा प्यार मेरा कितना बुरा हाल ये देखना है या करना है कैसे मैं पता तुझे अपना ये हाल की जाने तेरा मैं कर रहा हूँ सोने यूं यूं मुझे थाम लो अरे यार शो चल रहा है